हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक्सेल ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप में इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। सबसे पहले आते हैं कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या है। टू सेल एन एब्सोल्यूट रेफरेंस इन एक्सेल रेफर टू ए रेफरेंस दैट इज लॉग सो दैट रोज एंड कॉलम्स वॉन्ट चेंज व्हेन कॉपीड। Unlike a relative reference, an absolute reference refers to an actual fixed location on a worksheet that is done by putting the dollar sign before and after the column name of the selected cell. Or else we can type F4 function key and will automatically cover the column alphabet with the dollar. For example, if you want to fix the cell A1, then it will look as equal to $A$1. Uses of absolute cell references. The absolute cell reference in Excel is a cell address that contains a dollar sign. It can precede the column reference, the row reference, or both. With the use of an absolute cell reference in Excel, we can keep a row or a column constant or can keep both constant. It doesn't change when copied to other cells. इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग कुछ ऐसा कैलकुलेशन चाहते हैं जिसमें एक ही सेल जो है बाकी दूसरे सेल पर अप्लाई हो और तो उस सेल को हमको लॉक करना पड़ता है, तो अगर उस तरह से अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो एरर रिजल्ट आएगा। तो हम लोग एक्सेल में इसको कैसे करते हैं? मान लीजिए कि अगर से यहाँ पर अगर मेरा सेल जो है, मान लीजिए मेरा सेल जो है से A1 है, A1 को हमको लॉक करना है। देन A1 को अगर हमको लॉक करना है तो हमको यहाँ पर क्या देने पड़ेगा? डॉलर ए एंड डॉलर वन। एक्चुअली यूज़ हम इसको क्यों करेंगे? सपोज कीजिए कि हमारा पर एक एक से वेज है, वेज ऑफ एन एम्प्लॉई से वेज ऑफ एम्प्लॉय डेली जो है 300 है। एंड बहुत सारे जो एम्प्लॉय है से एम्प्लॉय वन काम किया 8 घंटा, एम्प्लॉय टू काम किया से 10 घंटा, एम्प्लॉय थ्री से काम किया 6 घंटा, एम्प्लॉय चार से काम किया 7 घंटा, एंड एम्प्लॉय पाँच काम किया से ये भी 10 घंटा। नो, अब क्या होगा कि हमको इस सेल, सपोज किए कि ये वन नंबर सेल में है और ये सारे जो सेल है, ये सारा सेल जो है ये है B1 में है, ये B2 में है, ये B3 में है, B4 में है, B5 में है। तो अगर हम इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला वाला तो ये रिजल्ट दे देगा, दैट इज 8 300 कितना हो जाएगा 2400। लेकिन दूसरा वाला में जो है एरर आएगा क्योंकि इसमें ये सेल रेफरेंस यहाँ पर नहीं ले पाएगा A1, बिकॉज यहाँ पर ये A2 हो जाएगा, जबकि A2 तो नहीं है मेरा, यहाँ वैल्यू जो है वो A1 में है और ये A3 हो जाएगा या फिर A4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो कहाँ पर है? वो A1 में है। तो इस सिचुएशन में हमको जो है सेल को लॉक करते हैं। आइए हम इसको एक एग्जांपल से बताते हैं तो आपको पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आवरली वर्क जो है एक एम्प्लॉय का 300 है और यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय है, से एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर सलीम है एंड आवर वर्क ग्रोस कितना है, उन्होंने 8 आवर्स काम किया, सचिन ने 7 आवर्स, उमेश ने 10 आवर, यास्मीन ने 8 घंटे, वसीम ने 6 घंटे, विराट ने 5 घंटे, निलोरमी ने 12 घंटे, ललित ने 11 घंटे, शकील ने 9 घंटे। तो अगर हम इसको डायरेक्ट अगर हमको इस ढंग से अगर इसको से इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हम इसको इसको ले लेते हैं और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने ये सेल किस है? B4 है। अब जो है हम इसको मल्टीप्लाई करना है हमको इससे, इस सेल से।
तो हमने यहाँ पर इंटर मारा, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे इसको अगर हम ड्रैग करके लाते हैं नीचे, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू जो है वो एरर वैल्यू दे दिया। ये एरर वैल्यू क्यों दिया? इसलिए कि यहाँ पर जो है ये सेल देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, B2 दे रहा है, यहाँ पर B3 दे रहा है, जबकि मेरा सेल कितना में है, ये B1 में है। तो हमको यहाँ पर B1 में सब चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस सारे को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम इस सेल के ऊपर रखेंगे, एंड मेरे ये जो सेल है बेसिकली इस सेल से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर आकर हम एक डॉलर साइन देंगे, एंड फिर यहाँ पर आकर यहाँ पर भी एक बी के बाद, बी से पहले, एंड ये जो मेरा फिक्स जिसको करना है, बी से पहले एंड बी के बाद एक डॉलर साइन दे दिया। तो हमने इसको लॉक कर दिया। अब देखिए कि अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो वैल्यू, अब ये देखिए यहाँ पर 7300 कितना हो जाएगा, यानी 2100 रुपया, 300 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 होगा। तो इस ढंग से देखिए आप यहाँ पर वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये B1 है, यहाँ पर भी B1 है, यहाँ पर भी B1 है, यहाँ पर भी B1 है। तो इस तरह से जो है सेल जो है लॉक हो गया, एंड क्योंकि हमको इसी से सारे को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर लॉक करना जरूरी है, तो इसी को एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं। तो कहीं पर भी अगर हमको ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पर हमको एक सेल बहुत सारे सेल पर, दूसरे जगह सेल के ऊपर बहुत सारे अप्लाई करना होगा, मल्टीप्लीकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, व्हाटएवर, या और कोई भी कैलकुलेशन हो, तो हमको वी मस्ट यूज द एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर इक्वल टू साइन देंगे, मान ली इसको हमको एब्सोल्यूट करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये बी दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इक्वल टू, तो अगर हम यहाँ पर डालते हैं B1, तो हमको क्या करने पड़ेगा, यहाँ पर डॉलर साइन देना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पर भी डॉलर साइन देने पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो आप प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर कोई क्वेश्चन हो एब्सोल्यूट रेफरेंस के ऊपर तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।